बड़े गुरु का छोटे गुरु का नाग लो भाई नाग लो, ये शोर अब सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन परंपराओं और रिवाजों का चलन बदस्तूर आज भी जारी है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी से नाग पंचमी के अवसर पर वाराणसी के नागलोक से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के गले में विराजने वाले सर्प का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। साल में एक बार सांपों के पूजन का विधान अनादि काल से चला आ रहा है और सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व भी है। लेकिन आज हम आपको धर्म की नगरी काशी में उस पवित्र स्थान पर लेकर चल रहे हैं। यह स्थान बनारस के जैतपुरा इलाके में स्थित नागकुआ नागलोक का वह रास्ता है जहाँ से सांपों के राजा कारकोटक अपने लोक को वापस गए थे। मान्यता है कि यहाँ पर गहरे पानी के अंदर विराजमान शिवलिंग के नीचे नागलोक का रास्ता जाता है और पूरे देश में यही स्थान है जहाँ कुंडली में काल सर्प दोष का पूजन विधि विधान से संपन्न होता है। एक मान्यता और भी है कि इस कुंड में यदि काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति की परछाई दिख जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है और लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचकर पूजन पाठ संपन्न करते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का मानना है कि उनके जीवन में इस स्थान पर आने के बाद बहुत से बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी उनके जीवन के लिए अमृत है। फिलहाल चारों तरफ से हरे रंग के पानी से भरा यह कुंड साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर दो दिनों की साफ सफाई के बाद आम भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोला जाता है। तब असली रास्ते और असली शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आइए सीधे बात करते हैं नागकुआ के महंत कुंदन पांडे से और जानते हैं कि इस स्थान की मान्यता क्या है और महत्व क्या है। आचार्य कुंदन पांडे नागकुआ मंदिर।
जैसे कि शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, जिस तिथि में आज है, उसको हम लोग नाग पंचमी के रूप से मनाते हैं। और विशेष यह स्थान महर्षि पतंजलि की तपोस्थली कर्म भूमि रही है, जो कि नाग पूजन के लिए उपयुक्त है। और मेन जो नाग कुंड है, यहाँ विशेष करके आज के दिन नाग पंचमी के दिन दूध लावा चढ़ाकर लोग नाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर जो दोष इत्यादि हो उसका समन हो, शांति हो, और इसी के साथ लोग यहाँ दूध लावा चढ़ाते हैं और अपने लिए कामना की प्रार्थना करते हैं। अभी हमने आपको वाराणसी के जैतपुरा स्थित कारकोटेश्वर महादेव के दर्शन कराए, जिनका दर्शन नाग पंचमी के दिन खास होता है। और अब आइए आपको सीधे लेके चलते हैं नाग पंचमी के दिन आयोजित होने वाले कुश्ती पर। और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा बड़ा गणेश में, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर कुश्ती की जाती है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि इस अखाड़े से कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं, तो आइए सीधे अब आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। Thank you.
यहाँ आस्तियाँ प्रारंभ हो जाती है और यहीं से जो है सारे लड़के जो है यहाँ से मतलब अन्य लड़के अपना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय है यहाँ से इंडिया टीम से गए हुए अशोक पहलवान हमारे पीछे ये बैठे हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं और ये हम सब लोग जो है रेल के ही पहलवान हैं। रेल में ही सबका अपॉइंटमेंट हुआ है और वहीं से स्टार्टिंग हुई है। कुश्ती की स्टार्टिंग तो बड़ा गणेश अखाड़े से हुई लेकिन अंत जो है रेल में हुआ जो है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को YouTube चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।